वालेकुम प्यारे व्यूअर क्या हाल चाल है आपका कैसे आप हम उम्मीद करते हैं जब बिल्कुल सही होंगे ठीक होंगे और दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको सेहत दे तंदुरुस्ती दे अपने हिस्सों मन में रखे अमिन अमिन तो प्यारे व्यूअर ये मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी पहले कि इस दरख्त क्या फूल सफ़ेद हैं और आधे जो है ना वो है पिंक ठीक है जी तो रात को आई हवा यानी कि हवा आंधी इतनी तेज रही नॉर्मल ही थी और साथ आई थी जी बारिश तो ये देखें पिंक वाले फूल अभी ज़्यादा है ये देखें मैंने कहा नज़दीक से दिखाऊँ आपको और जो है ना सफ़ेद वाले वो वाले जो ना, काम है ना कम हो गए हैं हैं सही लेकिन अभी सुबह सुबह ना तो नज़र कम आ रहे हैं ठीक है जी तो मैंने कहा ये बड़ा खूबसूरत सा व्यू था तो आपको दिखाऊँ ये देखें कितने प्यारे फूल जो है ना नीचे गिर गए हवा से ना इतने खूबसूरत लग रहे थे ये व्यू तो मैंने सोचा चले आपको भी दिखाऊँ यहाँ देखें ये सामने टेलीफोन बूथ है अगर किसी ने फ़ोन करना हो तो यहाँ पर पैसे डाल के फ़ोन करते हैं ठीक है जी ये भी देखें इतने खूबसूरत व्यू लग रहे हैं ये दिल खुश हो गया इसको सुबह सुबह देख के ना मतलब फूल बिखरे हुए देख के दिल खुश हो गया तो मैंने सोचा चले थोड़ी सी खूबसूरत सी वीडियो बना के आपको दिखाऊँ तो ये बारिश हुई है बारिश की वजह से ना सारे जो फूल हैं ना उनके ऊपर ये देखें पानी है हल्का हल्का ना तो वो सारे चिपके चिपके से हुए हैं ना तो मैंने कहा चले आपको दिखाऊं थोड़े से ये देखें ये व्यू कितना खूबसूरत है ठीक है जी बच्चे भी बड़े खुश हो रहे थे देख के मैं भी बच्चों को स्कूल छोड़ के वापस आई हूँ तो मैंने कहा चले आपको भी दिखाऊँ तो यहाँ पर ये देखें यहाँ पर एक तरह दरख़त ख़राब हो गया था उन्होंने काट लिया अभी इसकी जगह नया नहीं लगाया मतलब वो सूख रहा था नीचे से तभी इसकी जगह नया लगाएंगे तो इसके ऊपर तो अभी आए ही नहीं है इसके ऊपर सफ़ेद फूल हैं लेकिन थोड़े थोड़े से हैं ये देखें यहाँ से तो सारी सड़क ऐसे लग रहा है जैसे खुद किसी ने फूल बिखेरे होते हैं ना ये देखें मैंने कहा चलें आपको एक खूबसूरत सा व्यू दिखाऊं और देखें हवा जैसे जैसे चल रही है ना पत्ते नीचे फूल सॉरी पत्ते नहीं फूल नीचे गिर भी रहे हैं थोड़े थोड़े से ना तो मुझे ये बड़ा खूबसूरत सा व्यू लगा था तो मैंने सोचा चले आपको दिखाऊँ कि देखें ये कितना खूबसूरत एक व्यू लग रहा है ठीक है जी ये देखें ये पत्ते गिर रहे हैं फिर पत्ते के बोल गई फूल गिर रहे हैं ये देखा आपने ये देखे गिर रहे हैं फूल जैसे जैसे हवा चल रही है ना तो वो अभी बारिश हुई है बारिश होने की वजह से गीले हुए हैं तो कम गिर रहे हैं वरना ज़्यादा ज़्यादा गिरते हैं तो फिर आपको पता है फूल आते हैं मुरझाते भी हैं तो ये दो चार दिन और हैं ये खूबसूरत से व्यू जो है फिर ख़त्म हो जाएगी जब ज़्यादा गर्मी होगी क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं ना हुई ये गाड़ी जो इधर खड़ी हुई थी ना रात को ये देखें इसके ऊपर कैसे गिरे हुए हैं तो मैंने सोचा चले मुझे ये व्यू बड़ा अच्छा लग रहा तो आपके साथ भी शेयर करती हूँ अच्छा जी ये देखें यहाँ पर गमला लगाया हुआ है अगर किसी का दिल करे छोटे छोटे से पौधे प्लांट लगाने को इस तरह स्टैंड लगा के तो उसके अंदर लगाते हैं क्योंकि इनके घर की बैलकोनी है तो इन्होंने ये देखें वो जो खुलती ना खिड़की उसके साथ स्टैंड लगा के तो उसके अंदर गमला रखा है पता नहीं इसके अंदर क्या लगाया तो मैंने कहा ये भी आपको दिखाऊँ कि इधर इस तरह लगाते हैं तो चले मैं इंशाल्लाह फिर दोबारा आपसे मिलती हूँ अभी तक के लिए इतना रिव्यू आप देखें यहाँ जिगारा आके तो मुझे समोसे बनाने थे तो मैंने फिर समोसे बनाए तो आलू वाले मैंने समोसे बनाए थे तो आलू मैंने उबाले फिर उसमें नमक मिर्च वगैरह डाली जो जो डालने होते हैं बीच में जो जो मसाले सूखा धनिया और जी अनारदाना सब कुछ डाल के तो फिर मैंने जी कुछ पट्टियाँ मैंने घर में बनाई थी कुछ पट्टियाँ बाजार की थी तो मैंने सोचा कि चलें आज दोनों पट्टियों से ट्राई करती हूँ देखती हूँ किस पट्टी के ज़्यादा मज़े के ना समोसे लगते हैं तो ये जो चिट्टे चिट्टे आपको बहुत नज़र आ रहे ना बहुत सारे सफ़ेद माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये वाले जो ना ये बाज़ार की पट्टी के हैं तो जो थोड़ी सी पट्टी चिट्टी कांटा है वो घर के मैदे की पट्टी मैंने बनाई थी वो उसके हैं तो ये रोल भी इसी तरह ही है ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये वाले जो है ना ये बाज़ार की पट्टी के हैं तो ये मैंने बड़ी मुश्किल से बनाया है मुझसे पट्टी फटती जा रही थी ये सारी ना पता नहीं क्या बात है फ्रीजर में फ्रिज में रखी थी ना तब जब फ्रिज से बाहर निकाली तो फिर ये फटना शुरू हो गई तो ये जो मैं आपको समोसा दिखा रही हूँ स्पेशली ये बिल्कुल खाली पट्टी का समोसे की शक्ल दी हुई है अंदर इसके कुछ भी नहीं खाली पट्टी है क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना वो कहते हैं कि हमें बिल्कुल सादा बना के दो जिसके अंदर आलू ना हो लेकिन मैं फिर भी कभी कभी आलू डाल देती हूँ मैं कहती हूँ थोड़ा बहुत आलू डाल के देती हूँ चलो खाएँ इसी तरह ना तो वो नखरे तो बड़े करते हैं खैर आप क्या करें पता नहीं मेरे बच्चे नखरे करते हैं या आपके भी करते हैं तो फिर जी अब आ गया ये शाम का टाइम अफारी का तो इधर जी अफ्तारी के टाइम पर मैंने फ्रूट चाट बनाई थी तो फ्रूट में जो जो फ्रूट आपको मिले सारे काट काट के अंदर सूट लें तो ये तरबूज भी काटा हुआ था हमने तो मायनेज़ और कैचअ की एक हमने सॉस बना के रखी हुई थी पकौड़ों के साथ समोसों के साथ खाने के लिए रोल वग़ैरह के साथ तो ये जी मैंने मिक्स सब्जियों का सालन बनाया था तो आप यकीन जाने के रमज़ान के महीने में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बरकत है कि तीन तीन दिन तक एक सालन जो ख़त्म ही नहीं होता तो वो ख़त्म यूँ नहीं होता कि शाम में हम समोसे वग़ैरह खा लेते हैं पकौड़े खा लेते हैं तो सालन जो वो खाने ही नहीं होता रोटी खाते नहीं हम तो मिना आसाब ही नहीं खाते मैं भी नहीं खाती और बच्चे जो हमारे वो तो वैसे भी रोटी कम खाते हैं तो सुबह के टाइम मैं जो है वो दही के साथ सैरी करती हूँ तो मिना साहब जो है वो चाय के साथ पराठा खाते हैं तो सालन कहाँ से ख़त्म हो इस वजह जैसे मैं कोशिश करती हूँ कि सालन कम ही बने ठीक है जी तो ये अब दूसरी बातों के अंदर मैं घुस गई हूँ तो ये आपको बताना ही भूल गई हूँ कि मैं समोसे जो है ना वो फ़्राई कर रही हूँ ठीक है जी तो ये हमसे घर से अब तारी आई थी जिसमें पुलाव था चिकन वाला तो वो मैंने गर्म करने के लिए रखा हुआ था तो यहाँ पर जी खजूरें और साथ साथ मैं समोसों को भी देख रही थी समोसों को सीधा पुठा कर दूँ मैं क्या वो ना है साड़ी जान फिर साड़ गए तो फिर रोज़ा खोल के खाने का मज़ा नहीं आना तो एक काम के साथ हमें दो काम तो और करने होते हैं तो हम करें तो करें क्या खैर इसी तरह जी दिन गुजरते जा रहे हैं इसी तरह ज़िंदगी गुजरती जा रही है। बस अल्लाह पाक से दुआ एक अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे हमको आपको सबको आमीन समा आमीन कुल कायनात के इंसानों को तो यहाँ मैंने टिशू रख दिया था प्लेट के अंदर तो साथ जी मैं समोसा पकड़ रही थी तो मुझसे पकड़ने नहीं जा वो रहा था समोसा सॉरी रोल ਪਕੜ ਰਹੀ ਸੀ ਪਕੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹਾ ਥਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੇ ਹੱਥ ਮੇ ਆ ਰਹੇ ਥੇ ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਸੜਨਾ ਜੇ बड़ी मुश्किल ना भाई उन्होंने मिन्ता शिता करके बाहर कढ़ा कर समोस ने ठीक है जी तो यहाँ पर समोसे हो गए थे तैयार तो समोसों को मैंने इस तरह ना चिमटे के ऊपर रख दिया मैंने कहा इनसे ना गीशी सारा निकल जाए वैसे भी अल्लाह का शुक्र है रोज़ में समोसे और पकौड़े खाते रहते हैं तो गीत तो काफ़ी अंदर जाता है तो यहाँ पर जी मैंने सिर्फ तीन पकौड़े बनाए थे इसके बिंगन के इसको बेसन लगा के तो मैंने कहा ये भी आपको दिखा दूँ आप ये ना समझे कि खाली हम समोसे और रोल ही खाते हैं पकौड़े भी हम बना लेते लेकिन बहुत कम बनाते हैं तो ये जब मैं रोल फ्राई करने लगी हूँ अभी ये जी खाली पट्टी का रोल बनाए हैं बच्चों के लिए तो वो तो कहते हैं कि हमें अंदर कुछ ना डाल के दो लेकिन आज मैंने दो आलू वाले समोसे बनाए थे इनके लिए मैंने कहा चलो ज़बरदस्ती देती हूँ क्या पता खा ही लें तो जी ये फिर ये समोसे फ़्राई हो रहे थे इस तरह करते करते टाइम गुजर जाता और टाइम का पता ही नहीं चलता यकीन जाने इधर से सुबह होती है और उधर से शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता कैसे टाइम गुजरता है खैर अल्लाह का शुक्र है अच्छा टाइम गुज़र रहा और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रोज़े गुजर रहे हैं हमारे यकीन जाने हमारी तरफ तो गर्मी नहीं अभी आई ना वैसे मैं काफ़ी बहन भाइयों की वीडियो देखती हूँ जो कहते हैं कि गर्मी आई है काफ़ी गर्मी है तो बहुत रोज़े है ना गर्मी में मतलब रोज़ा लगता है लेकिन अलहमद लाला के हमारे यहाँ अभी तक गर्मी नहीं आई आज फिर हमारी तरफ़ बारिश हुई थी और बारिश के साथ फिर ठंड हुई है हम लोग अभी भी कंबल रख के सोते हैं हमारी तरफ अभी सर्दी है तो यहाँ पर जी बातों बातों में हमारे ये रोल और समोसे जो बच्चों के थे वो तैयार हो गए थे तो मैं उनके एक एक करके निकाल रही थी मैं क्या एक एक करके निकालू क्योंकि एक हाथ में मैंने वीडियो बना रही थी फोन पकड़ा हुआ था तो दूसरे हाथ से निकाल रही थी यहाँ पर मैंने छन्नी के अंदर रख दिए थे मैं इसके अंदर छन्नी के इसलिए रखे थे ताकि घी सारा जो है ना वो नीचे निकल जाए सारा प्लेट जो मैंने रखी हुई थी चम्मच रखा हुआ था ना ये हांडी पकाने वाले चम्मच के अंदर तो उसके अंदर मैंने रखे हुए थे मैंने कहा था तेल सारा इसमें निकल जाए ज़रा चिकनहट कम हो जाए लेकिन फिर भी आपको पता है इनकी चीज़ों के अंदर घी तो काफ़ी होता है तो अल्लाह का शुक्र है कि पूरे रमज़ान में खाते हैं रमज़ान के महीने में बरकतों वाले महीने में तो कुछ भी नहीं होता अल्लाह तला सबको सेहत का अंदर उसकी ताफरमाए और हमको भी तो ये जी हमारे जो रोल समोसे और पकौड़े थे वो मैंने ला के टेबल पर रख दिए तो ये तरबूज भी काटा हुआ था तो यहाँ पर रात को मैंने दही पल्ले बनाए थे थोड़े से वो भी उड़े हुए थे तो यहाँ पर जी अलहमदिल्ला हमारा दस्तर ख़ान बिल्कुल सज गया था सारी अफ्तारी हमारी तैयार हो गई थी तो मिनास साहब आ गए थे वो दुआ कर रहे थे तो बच्चे भी पास बैठे हुए थे बच्चे दुआ भी कर रहे थे और आपसे सलाम भी ले रहे थे तो यहाँ पर मैंने सोचा चले थोड़ा सा व्यू आपको दिखा दूँ कि मिनास साहब दुआ कर रहे हैं तो आप बहन भाई उनसे रिक्वेस्ट है आप भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा हम भी करते हैं तो मिलते हैं फिर अल्लाह हाफिज़